टीवी यहाँ पर हेमंत की बोल का सामना करने के लिए तैयार। लोकेश ऑर्बिटम से बाहर खेलना चाहते थे। कुछ ही क्षणों में फ्रेंड्स और मंडलियों के बीच में मैच से 3 लाख तय करते हुए जैसलमेर की गांव ढाणी में जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने डॉक्टर समझ कर सीमा जन कल्याण मार्ग समिति के मार्फत जो कार्य किया था उसी को अंजाम देते हुए बेहतरीन मंच प्रदान किया है। तूफान इस टूर्नामेंट को रोक देगा, लेकिन जैसे ही हमारे केंद्रीय मंत्री के कदम पर जी के सपनों को साकार करते हुए लाखों घरों तक जल पहुंचाने का जो काम किया है उसका यह नतीजा है कि आज जैसलमेर की धरती जो सूर्य पराक्रम की धरती मानी जाती है। सरकार बनने के बाद में मैं देख रहा था इस छोर से लेकर के उस छोर तक और इस छोर से लेकर के उस छोर तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाओं के बारे में जिस तरह से यहाँ प्रदर्शन किया गया। खेल के साथ साथ में देश को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से काम किया, समाज के संज्ञान और विषयों को ठीक से लाने का जिस तरह से काम माननीय पवन सिंह जी ने किया है, मैं इनकी सोच को सलाम करते हुए इनकी सोच का अभिनंदन करना चाहता हूँ। जो देश में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी उससे पहले मुझे जब स्मरण आता है कि मैं जब खिलाड़ी के रूप में खेलता था, एक खिलाड़ी अपने व्यक्तिगत रूप से प्रयास करके अपने परिवारजनों के संसाधनों का उपयोग करके जब वो खिलाड़ी नेशनल लेवल पर एक बार मेडल लेकर के आता था तब सरकार पहली बार उसका हाथ पकड़ते थे, उसको आगे ले जाने का काम करती थी। मैं तो क्योंकि खेल के जगत से जुड़ा हूँ, मेरी बेटी और बेटा दोनों इंटरनेशनल प्लेयर। प्रधानमंत्री जी की सरकार के यशस्वी 9 साल पूरे होने, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के मंत्र को लेकर के राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना, देश के हितों के साथ में बिना कोई समझौता किए हुए देश का खोया हुआ सम्मान वापस लौटाने के संकल्प को लेकर के जो सरकार काम कर रही है, देश की जनता ने ये सेवा करने का, गरीबों का कल्याण करने का, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का जो सुअवसर प्रदान किया, हम सब मिलकर के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश के मतदाताओं का, लोगों का अभिनंदन और अभिवादन करने के लिए निकले हैं। इस क्रम में अनेक तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कहीं हम ऐसे लोग जिनके जीवन में परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण से आया उनसे चर्चा कर रहे हैं, कभी ऐसे पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले जनसंघ के इस विचार को उस अंधियारे के समय में जब इस विचार की बात करना भी शायद बहुत कम लोग कर पाते थे, उन लोगों ने जिन्होंने इस पौधे को सींच करके बड़ा किया उनके साथ में बैठ करके, ऐसे व्यापारी व्यवसायी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के विचार को शैशव अवस्था में अपनी छाया देकर के आगे बढ़ाया,